हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्री LITMs। LITMs फ्री में कैसे मिलेंगे, LITMs का यूज़ क्या है और LITMs यूज़ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ये कुछ टॉपिक है जो कि क्लियर करेंगे गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल देता हूँ गाइस कि मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है गाइस, और ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ गाइस, कुछ लोगों की वजह से बना रहा हूँ गाइस। मुझे लगता है कि सब तक वो वीडियो पहुँच नहीं रही है गाइस, ठीक है। तो अभी क्या है कि गाइस कमेंट आते रहते हैं, DMs आते हैं, काफ़ी को रिप्लाई कर देता हूँ, बट फिर भी हर दूसरे दिन कुछ कमेंट्स आते ही रहते हैं गाइस। अभी कुछ दिन पहले मैंने स्पूफिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी गाइस, तो अगर आपने देखी नहीं है स्पूफिंग वाली वीडियो, तो उस वीडियो में बेसिकली ये है कि हम लोग स्पूफिंग क्यों ना करें, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना गाइस आई बटन पे, और देख लेना गाइस। सो गाइस, LITMs बेसिकली होते क्या हैं, ये एक टाइप के TMs हैं। अब देखो गाइस, ये कहीं भी घुस रहा हूँ। सो गाइस, आइटम्स में आते हैं गाइस। तो मेरे पास, मैंने एक्चुअल में एक बार एलाइट चार्ज TM यूज़ कर लिया गाइस। तो यहाँ TMs हैं, चार्ज TM है, और एक इनका अपग्रेड वर्जन है एलाइट फास्ट TM, एलाइट चार्ज TM गाइस। तो ये मैंने ख़रीदे नहीं है गाइस, ये मैंने फ्री में लिए हैं। अगर आपको ख़रीदने तो आप ख़रीद सकते हो, ये आपको ईजिली मिल जाएंगे गाइस। ये आपको मिलते हैं एक्चुअल में यहाँ पर जो लिमिटेड टाइम ओनली बॉक्स होते हैं उनमें मिलते हैं गाइस, ठीक है। अभी जब कॉम्युनिटी डे वाला बॉक्स आएगा तो उसमें एक एलाइट TM आ जाएगा, शायद वो चार्ज TM हो चाहे वो फास्ट TM हो गाइस, एलाइट वाला। सो गाइस, बेसिकली इनका यूज़ होता है लेगेसी अटैक। तो पोकेमॉन के कुछ लेगेसी अटैक होते हैं गाइस, जो कि हम लोग या तो किस्मत से मिलते हैं या एलाइट TM से मिलते हैं गाइस, ठीक है। और कॉम्युनिटी डे तो मतलब एकमात्र तरीका है जिसमें कि मतलब सबको मिलता है, वैसे सबको नहीं मिलते हैं गाइस। अभी जब भी कोई कॉम्युनिटी डे आएगा तो उसमें एक नया लेगेसी अटैक आता है गाइस, ठीक है। तो अभी जैसे कि 40,000 का चारमेंटर का आ रहा है गाइस, तो अगर चारमेंटर की टिकट और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आई बटन चेक कर लेना गाइस। बाकी हम लोग अभी इस वीडियो में मैं LITMs का यूज़ बताने वाला हूँ गाइस। तो गाइस, मेटाग्रोस एक ऐसा पोकेमॉन है जिसका मतलब जिसमें कि हमें एक ऐसा अटैक है गाइस जो कि LITM से मिलेगा, और वो अटैक बहुत ही अच्छा अटैक है गाइस। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस, आप लोग मुझे रोक तो पाओगे नहीं, बट इसकी IVs कुछ खास अच्छी नहीं है गाइस। इसका HP अच्छा है, डिफेंस इतना अच्छा नहीं, अटैक अच्छा है गाइस। तो इस पर मैं अपना एक TM यूज़ कर रहा हूँ गाइस। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ गाइस कि जो इसमें अटैक है गाइस, वो अटैक हम लोग नहीं ले सकते गाइस। सबसे पहले मुझे चाहिए मीटियोर मैश, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मीटर मैश ही होता है कुछ और होता है यार, तो मैं चार्ज TM यूज़ कर रहा हूँ गाइस। देखते हैं मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है गाइस। तो फ्लैश कैनन मिल गया गाइस, फ्लैश कैनन मीटर मैश का एक अपग्रेड वर्जन है गाइस, बट हमें मीटर मैश ही चाहिए गाइस। तो हम लोग फिर यूज़ करेंगे गाइस, और देखिए गाइस रिपीट हो रहे हैं गाइस, और करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये रिपीट होते रहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, मुझे चाहिए मीटर मैश, तो उसके लिए मैं सीधे क्लिक करूँगा एलाइट चार्ज TM में गाइस। तो यहाँ पर मैंने किया साइकिक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना, भाई मुझे नहीं पता यार, कंटिन्यू कर दिया गाइस। अब देखिए गाइस, यहाँ पर दो अटैक आ गए, मीटियोर मैश और फ्लैश कैनन गाइस। अगर मैं फ्लैश कैनन पे क्लिक करता हूँ तो मतलब प्रवीण भैया गजब यार, तुम क्या कर रहे हो यार, और मीटियोर मैश पे क्लिक करता हूँ गाइस तो मुझे एलाइट चार्ज TM से यहाँ पर मिल रहा है गाइस मीटियोर मैश। और गाइस देख रहे हो 100 का डैमेज देता है ये। तो गाइस, अब हुआ क्या मेटाग्रोस के साथ, मेटाग्रोस अब बन चुका है गाइस वन ऑफ माई बेस्ट पोकेमोन इन माई पोकेडेक्स। तो ये अब ये तूफान हो चुका है गाइस, अब ये पेलेगा गाइस, अब ये छोड़ने वाला नहीं है गाइस, क्योंकि मीटियोर मैश एक ऐसा अटैक है गाइस जिसका डैमेज बहुत ज़्यादा है और ये बहुत जल्दी आता है गाइस। तो ये होती है लेगेसी अटैक की खासियत। अब ज़रूरी नहीं कि लेगेसी अटैक हमेशा अच्छे ही हों, जैसे कि गाइस आपके पास ड्रैगनाइट है गाइस, ड्रैगनाइट का जो लेगेसी अटैक है गाइस ड्रैगो मेटियर, वो इतना अच्छा नहीं है गाइस, तो उसकी ज़रूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पोकेमॉन हैं जिसमें कि हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब बात करते हैं गाइस, इनको यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए गाइस। तो इनको यूज़ करने से पहले आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है गाइस। सबसे पहली चीज़ गाइस, पोकेमॉन की IVs क्या हैं, IVs अच्छी होनी चाहिए गाइस। मेरे वाले की IVs अच्छी नहीं थी, बट मैंने यूज़ कर दिया, क्योंकि क्या कर सकते हैं यार,
अब दूसरा मेटाग्रोस बनाने में जमाना लग जाएगा गाइस, इतनी कैंडीज भी नहीं है और बहुत मेहनत है गाइस, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात गाइस ये है कि इसको यूज़ हम लोग जब ही करें जब उस पोकेमोन का लेगेसी अटैक सच में इफेक्टिव हो गाइस। तो मैंने पिछले सीजन यूज़ किया था गाइस, पिछले सीजन यूज़ किया था गाइस, मैंने ये स्वैम्पट पे किया था गाइस। स्वैम्पट भैया जल्दी आओ, टाइप करके भी आ सकता है। तो गाइस स्वैम्पट पे आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रो कैनन है, ये इसका लेगेसी अटैक है गाइस, बेस्ट अटैक है। पोकेमोन को जो बेस्ट बनाते हैं वो उनके मूव सेट होते हैं गाइस। अगर आपके पास बेस्ट मूव सेट है ना गाइस, तो वो पोकेमोन आपको निराश नहीं करेगा। अब बाई चांस अब तीनों पोकेमोन फाइट टाइप वाले आगे तो मैं मतलब मेटाग्रॉस अब क्या ही कर लेगा, है ना, वैसे ओपी है गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं फ्री में कैसे मिलता है गाइस। तो फ्री में कैसे मिलता है सबको पता है, जिसको नहीं पता उन लोगों के लिए वीडियो है गाइस। फ्री में मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता है गाइस, और वो है गाइस आपकी रैंक। अगर आप लोग रैंक 7 तक आ जाते हैं तो आपको सीज़न के एंड में LITM मिलेगा, चाहे वो फास्ट हो चाहे चार्ज हो, दोनों में से एक मिलेगा। हर सीज़न एक मिलता है गाइस, और ये कमाल की चीज़ है गाइस। सो गाइस अभी इस वीडियो में मुझे लग रहा है कि लोगों को चल गया होगा पता, भैया मत पूछना कमेंट में कैसे मिलेगा। सो गाइस यूज़ करो और बैटल्स जीतो गाइस। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग, नेक्स्ट डे, बाय बाय, लव यू ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।